सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और इस पहाड़ खेत जंगल के बीच अकेले हम जा रहे हैं शांति जी का दर्शन करने। और अभी बारिश नहीं हुई है क्योंकि जब से अभी 15 दिन से बारिश हो रही है तो वीडियो बनाने में लगातार परेशानी हो रही है मुझे। हमें क्या, हर काम में परेशानी होती है, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है, मौसम खिला है। और अभी हम दूर जा रहे हैं, ये जंगल है और ये रास्ता अभी देखिए, ये सब तो खेत है तो ये रास्ता गया है शायद। हाँ, ये एक रास्ता है, कच्ची रास्ता। इसी रास्ता को पार करते हुए हम देखिए, इसी रास्ता को पार करते हुए हम जाएंगे शांति जी के पास। कुटिया यहाँ से तो अभी दूर है, अभी 15 मिनट पैदल चले हैं, अभी और 15 मिनट पैदल चलना होगा, फिर कुटिया आएगा। और ये रास्ता अभी सूखा है, बारिश नहीं हुई है तो कल से इसके लिए। और जैसे ये आप ये देख रहे हैं खेत, ये जंगल, ये पहाड़, इसी के बीच में संत लोग रहते हैं कहीं ना कहीं। जैसे वो जंगल है घना, उसके बीच में रह सकते हैं, तो ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के निकालना होता है जो कहाँ पे संत जी रहते हैं। जैसे यह एक रास्ता बंद करने का एक ये लकड़ी का बनाया गया है, तो हो सकता है संत लोग कहीं इधर होंगे, लेकिन मुझे दूर दूर तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो अभी इधर नहीं जाएंगे, बाद में पहले इधर चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे संत भगवान रहते हैं। कुटिया देखेंगे और उसके बाद फिर आपको भी दर्शन करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। फिलहाल तो ऐसी कच्ची रास्ता से अभी चलते हैं। पर ये रास्ता बनाने की ज़रूरत है, और क्योंकि आप देख सकते हैं ये खुद मिट्टी काट करके रास्ता बनाया गया है। कुछ ग्रामवासी रहते हैं इधर। संत लोग किधर रहते हैं? संत लोग आगे हैं कुटिया। अच्छा अच्छा, मतलब कुटिया है आगे। तो हम पहले ऊपर की ओर ही जाएंगे, हो सकता है संत लोग रह सकते हो इधर। अगर नहीं रहेंगे तो मुझे रिटर्न आना पड़ेगा, अगर रहते होंगे तो आपको दर्शन करवाएंगे। ऐसे ही ढूंढना रहता है हम लोगों को जंगल में, कहाँ संत रहते हैं, कहाँ उनका कुटिया रहता है। हाँ, मुझे लगता है कुटिया है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर संत भगवान भी हैं। और ये कुटिया है, देखिए। हाँ, यह कुटिया है और संत भगवान भी हैं अंदर बैठे, यहाँ पे खड़े हैं। सीताराम जी प्रभु, देखिए संत भगवान सामने भी खड़े हैं। बहुत मुश्किल से मिले हैं ये कुटिया। सीताराम जी प्रभु, तभी बाद में बात करेंगे प्रभु जी से। ये प्रभु जी का कुटिया है और इसमें ही रहते हैं प्रभु जी। देखिए अभी हमारे साथ संत भगवान खुद आश्रम में टहल रहे हैं, और खुद उनसे हम जानेंगे जो बाल्यावस्था में जब खेलने की उम्र रहती है तभी से प्रभु जी अपने घर को छोड़ दिए, माता पिता को छोड़ दिए और फिर इस वीरान जंगल में आकर के रहने लगे, और यहीं पे एक छोटी सी कुटिया बना करके रहते हैं। तो प्रभु जी कैसा लगता है इस वीरान सा जंगल में आकर के आपको, और भक्ति कैसे करते हैं, कैसे क्या उम्र रहा होगा जब आप घर को छोड़ दिए? भगवान के शरण में आने से सभी प्रकार के क्लेश बाधा महसूस नहीं पड़ते, और भगवान हर प्रकार से रक्षा करते हैं, और जो स्नेह प्रेम
घर में मिलता है उससे भी कई गुना अधिक स्नेह प्रेम साधु संतों का भक्तों को मिलता है, जिससे जो है संत समागम जो है और संतों के सानिध्य में रहते हुए किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं मिलता। और भगवान का नाम का आधार जो है राम नाम का जप जो है, तो भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि संसार से भवसागर से तरने के लिए सबसे बड़ी औषधि है। नारद जी भगवान से ये वर प्राप्त किए हैं कि राम सकल नामंते अधिका, भगवान का नाम जो है सभी नामों से श्रेष्ठ है। और राम नाम जपने से कई कल्पों के पाप प्राश्चित मिट जाते और जीवात्मा का जो है उद्धार के लिए सबसे सुगम साधन भगवान का नाम। नाम जप जो है साधन भी है और साध भी है। प्रभु जी मुझे वो बताइए, जो आप कब से मतलब ये विरक्त हो गए आप? सन 1995 से मैं इस वेश में यहाँ पर काफ़ी समय दिया और कहीं बाहर भी निकल जाता हूँ कुछ समय के लिए, फिर वापस चला आता हूँ। ऐसे हमको लगभग 30 साल यहाँ जंगल में समय व्यतीत हो रहा है। और साधन तपस्या करने से अब मेरा मन लास्ट में संत सेवा की तरफ जुड़ा। प्रभु जी मुझे ये बताइए, जो वो कौन सा समय था जब आप घर को छोड़ दिए, गृहस्थ को छोड़ दिए, माता पिता को छोड़ करके आप जंगल आ गए? मुझे परम पूजनीय श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज जी की, जो जानकी कुंड अस्पताल चल रहा है, रघुवीर मंदिर के संस्थापक है, उनकी पूजा मैं करता था बालापन से। जब मैं कक्षा 2 में पढ़ता था, अच्छा, तब मैं उनकी मूर्ति की पूजा करता था और उन्हीं की मूर्ति से मैंने कंठी भी ले लिया। और उन्हीं की सेवा करते करते हमें सपना हुआ कि आप जो है विरक्त हो जाओ, तो रणछोड़दास जी की कृपा से मैं इस भेष में आया। अच्छा, वो उम्र क्या होगा जब आप घर को छोड़ दिए? सन 1995 के लगभग मैं अच्छा इस वेश में आया। अच्छा, और यहाँ जंगल में रहा। इसके बाद जो है रेवास आचार गद्दी है, जो रघुवीर मंदिर के महंत श्री स्वामी शालिक रामाचार्य जी महाराज यहाँ थे, यहीं से वो गद्दी जो है रेवासा की गद्दी मिली थी। तो इस समय वर्तमान आचार्य आनंद विभूषित श्री राघवाचार्य जी महाराज, उनके द्वारा मेरा संस्कार हुआ। अच्छा। और मैं 1995 से यहाँ पर रह रहा हूँ, कभी करात बाहर भी निकल जाता हूँ। तो करीब करीब प्रभु जी आपको 30 वर्ष हो गए? हाँ, 30 वर्ष हो गए। और आपकी उम्र क्या है प्रभु जी अभी? लगभग मेरी उम्र 50 के लगभग। अच्छा, 50 वर्ष के लगभग। तो मतलब 20 वर्ष की उम्र में आप घर छोड़ दिए फिर? हाँ, लगभग जो है। वैसे तो मैं जब 2 में पढ़ता था तभी से भगवान की सेवा में लगा रहा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तभी से सेवा करता रहा। और परम पूजनीय श्री स्वामी रणछोड़दास जी महाराज की सेवा करते करते हमको बैराग उत्पन्न हुआ। फिर भी जो है बहुत से महापुरुषों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, जिससे अब मेरा मन जो है संत सेवा में लगा है। और संत सेवा के मुकाबले कोई संसार में कोई सेवा नहीं। पूछने वाले थे आपसे, जो दुनिया में सबसे बड़ी सेवा क्या है? संत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा। गृहस्थ के लिए या सबके लिए? सबके लिए है। गौ की सेवा तो सबको करना चाहिए, साधु भी करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं। और गौ सेवा से आप अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी पदार्थों की प्राप्ति स्वतः अपने आप होती है। अच्छा। और संत सेवा से भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नाश विघ्न अनेक। ये चारों एक हैं और एक होते हुए चार हैं। तो जब गुरु की सेवा करते हैं तो सारे चीज मिल जाते हैं, गौ की सेवा करेंगे तो भी सारे मिलेंगे, संत की सेवा करेंगे तो भी सारे मिलेंगे। कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद सेवा पंकज, तीसर भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगन करय कपट तज गान, मंत्र जाप मम ध्यान विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मैं मुहि जग देखा, मोहते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा,
देखे नहीं सपने पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हृदय न दीना। नव मोह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर को कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत धड़ तोरे। भगवान सबरी से कहे हुए सातवीं भक्ति में कि मुँह से अधिक संत, यानी मुझसे भी अधिक जो संत को जानेगा, सातवीं भक्ति है कि मुझसे भी अधिक संत को समझे। और नौ में एको जिसके पास होगा, नारी पुरुष में सचराचर में कोई भी, गोस्वामी जी के मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सचराचर में कोई भी है, यदि एक भी भक्ति उसके अंदर है तो उसका उद्धार हो जाएगा। और सबरी को भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो नौ की नौ पाई गई। सबरी इतनी महान थी, यानी छोट कास्ट में उसका जन्म हुआ सबरी का, लेकिन सबरी भक्ति से इतना पवित्र हो गई, इतना ऊँचे हो गई कि नौ भक्ति उसके अंदर पाई गई। और भगवान स्वयं चल के जाते हैं और सबरी बेर खिलाती है तो चखती है कि कोई बेर जो है खट्टा तो नहीं है, और सबरी के चखे हुए बेर भगवान प्रेम से पा रहे। भक्ति में इतना प्रेम में जो है शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई और भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। प्रभु जी, आधुनिक जीवन में और इस कलयुग कलिकाल में गृहस्थ के लोग जो होते हैं वो कैसे भक्ति करें, और प्रभु की भक्ति में ऐसे कैसे करें जो उनको भगवत, भगवान का नाम ऐसा है कि नाम जपते जपते सारा ज्ञान वैराग भक्ति स्वतः उसको अपने आप मिल जाती है। इसलिए सभी प्राणी के लिए नाम जप अनिवार्य है कि राम 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 जपता रहे, और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 1,00,000 जप प्रतिदिन करना चाहिए राम नाम। नहीं 1,00,000 कर सकते हैं तो कम से कम 25,000-50,000 का संकल्प तो होना चाहिए। अच्छा, जो अच्छे जापक हैं तो 1 घंटा में 25,000 जप राम नाम होता। अच्छा। तो हम लोग राम उपासक हैं और राम नाम जपने के लिए सबको प्रेरणा करते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी प्रभु की भक्ति में कितना आनंद आता है? भगवान की भक्ति के मुकाबले तो कुछ संसार में है ही नहीं। जब भक्ति का रस आता है तो संसार से बिल्कुल उसको कोई भी जो है संसार की वैभव मान सम्मान सब उसको विस्मृति हो जाता है और भक्तिमय हो जाता है। और प्रभु जी इस जंगल में आप रहते हैं और ये देखिए आप पीछे वो गंगा है क्या? गंगा जी, मंदाकिनी गंगा। अच्छा, माँ मंदाकिनी जी। और यहाँ पे देखिए संत भगवान की कुटी है और ये पूरा बिहार जंगल है जहाँ पे अभी संत भगवान रह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आते हैं यहाँ पे। और प्रभु जी कैसे इस जंगल में एक तरफ घर वैभव, इतना सुंदर घर आपका, सब कुछ छोड़ करके आप इस जंगल में इतना, ये सब हमारे राम जी की कृपा है। हाँ। और राम जी की कृपा होगी तो यहाँ एक आश्रम का भी अच्छा बनवाएंगे, निर्माण हो रहा है और संत सेवा हो रही है। और प्रभु जी आप इस जंगल में रहते हैं तो लेकिन जंगल में व्यवस्था कैसे रहती है, मतलब सब ठाकुर जी राम जी पूरा करते हैं जी जी, तो भक्तों को प्रेरणा देते हैं और भगत लोग हमारी सब सेवा करते। प्रभु जी इस जंगल में कैसे सुविधा रहता है, कैसे यहाँ पे तो जाने आने की भी सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप इस जंगल कहते में कहते हैं कि उपजय राम चरण विश्वासा, भाव निधितर नर बिना ही प्रयासा। हम जिनके प्रेम में जिनके लिए घर द्वार छोड़ा है वो हमारी सब रक्षा करते हैं। वही परमात्मा जो है भक्तों को प्रेरणा देते हैं, वो भगत लोग जो है हम लोगों को सारी व्यवस्था उत्पन्न करते हैं। और प्रभु जी आप यहाँ पे जंगल में अकेला रहना और कभी कुछ हो जाए तो फिर कौन देखने वाला होता है यहाँ पे? हम अकेला मानते नहीं हैं कि हमारे साथ में राम जी हैं। अच्छा। तो राम जी हैं तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में है। अच्छा। तो ऐसा हमको एहसास नहीं होता कि हम अकेले रहते हैं, ठाकुर जी के साथ में उनकी सेवा में रहते हैं तो वो ही हमारी रक्षा करते हैं, अकेलापन हमको महसूस नहीं होता। और प्रभु जी ये तो मान लें जो जैसे त्रेता द्वापर सतयुग में संत लोग जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, आज भी वही हम देखते हैं जो संत लोग आज भी तपस्या जंगल में करते हैं। अकेले रहते हैं और फिर वहाँ कलयुग नहीं लगता है जो यहाँ आज भी कलयुग है। चित्रकूट में यहाँ पर निवास करने से ही तपस्या होती है
और जो रह के भजन करे उसको तो बात ही कुछ और है। यदि केवल वो यहाँ रह रहा है तो इस भूमि का इतना बड़ा महात्म है कि उसकी तपस्या सार्थक है। और यहाँ पर मंदाकिनी का स्नान और कांतानाथ जी की परिक्रमा और यहाँ का निवास, तब तो उसमें सुगंध, क्या पूछना है उसको। प्रभु जी ये तो मान लीजिए फिर उस व्यक्ति का फिर 84 में नहीं जाना होगा। चित्रकूट में निवास करने वाले का 84 होता ही नहीं। अच्छा। और यहाँ शरीर छोड़ने से भगवान के धाम में भक्त जाते हैं, भगवान की ओर उन पर असीम कृपा होती है। अच्छा। बहुत दूर दूर से लोग चित्रकूट आते हैं, कामतानाथ जी का परिक्रमा करते हैं, मंदाकिनी का स्नान करते हैं कि कई कल्प के प्राशित जो पाप हैं वो मंदाकिनी के स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। और जो संतों को यहाँ दर्शन करते, संत दरस जिम पातक तरई, यानी साधु के दर्शन मात्र से पाप प्राचित मिट जाते हैं। तो जब जीवात्मा शुद्ध होता है उसके पाप प्राचित नष्ट हो जाते हैं तो उसका मोक्ष होता है, भगवान की शरणागति प्राप्त होती है। प्रभु जी 84 योनि क्या है? 84 लाख योनि जो है ये जीव अपने कर्मानुसार जो है भ्रमण करता है, जिसका जो शुभ अशुभ कर्म होता है। ये तो कैसे होता है? अब जीवात्मा जो प्रारब्ध बनाती है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने कियो ही ये प्राशित का भोग भोगती है सारी योनी। लेकिन मानव शरीर ऐसा है कि सभी योनियों से श्रेष्ठ है, इसमें आप जो है भगवान की शरणागति भी ले सकते हैं, और यदि अच्छा कर्म नहीं हुआ तो आप बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए देवता भी जो है मनुष्य की सराहना किए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी बहुत भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, वो कितना भी उसका बिगड़ा है फिर भी वो जो है तपस्या करके भगवान की शरणागति लेगा, और यदि वो तपस्या नहीं करता है, भगवान से विमुख है, तो उसका भी अधोगति होता है। तो यानी मनुष्य शरीर जो है पाने के बाद में प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि भगवान की कृपा उसके ऊपर असीम हो चुकी है, अब वो भगवान की भक्ति करे, क्योंकि सारी योनियों में भोग है। लेकिन मनुष्य का भी शरीर यदि भोग में फंस के समय व्यर्थ बिता रहा है, तो जैसे कुत्ता का उल्टी करके कुत्ता उसको लेता है, ऐसे जूठा ही माना गया मनुष्य के लिए। सारे भोग जो है उच्चिष्ट कहा गया है, जूठा। अच्छा। क्योंकि हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं, ये सब भोग हम लोग भोग चुके हैं, अब हमें भोगों से मन को मोड़ के भगवान की शरणागति में चलना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। यदि ये भोग जो है बाधित होते हैं तो वही उच्चिष्ट का की तरफ दृष्टि डालना है। तो अपने मन को विवेक द्वारा समझा के और भगवान की भक्ति की तरफ प्रत्येक प्राणी को चलना चाहिए। 84 लाख योनि जो है जीवात्मा जन्मत मरत दुसा दुख होई, यानी माँ के गर्भ में जाना सबसे बड़ा नर्क है, और जब वहाँ से बाहर आता है तो वो भी उसको महान 1 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट जीवात्मा को होता है। जन्मत मरत दुसा दुख होई, जन्म लेना और मरना, तो इस दुख से मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति ही है। प्रभु जी लोग भूल जाते हैं। जब वो गर्भ में रहते हैं तब तो वो भगवान से कहते हैं जो अब नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही गर्भ से निकलते हैं फिर वही मनमाना आचरण, वही भोग, वही सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन धाम का संतों का प्रभाव है कि जो संतों के संग में हैं, धाम में निवास करते हैं, तो एक जन्म में नहीं उसका मुक्ति होगा, धीरे धीरे समय से नहीं उसकी भक्ति बढ़ती जाएगी, तो उसको कई जन्म लग सकते हैं। लेकिन ये भगवान की शरण में आ चुका है तो उस समय कितना भी लग जाए उसका उद्धार होगा होगा। जो संतों के शरण में है और धाम के शरण में है उसका उद्धार निश्चित होगा, और नाम जप चलती रहे, नाम जप चलता रहे। तो ये प्रभु जी बताएं। और प्रभु जी आप बहुत अच्छा सब्जी भी उगाते हैं, पुष्प का झाड़ भी लगाए हैं, तो मुझे वो जगह दिखाइए जहाँ पे आप सब्जी उगाते हैं, सब्जी लगाए हैं बगीचे में। तो चलिए हम आपको प्रभु जी का वो जगह दिखाते हैं। और ये प्रभु जी का एक बगीचे का आगा वाला हिस्सा है जहाँ पे प्रभु जी रहते हैं, और वहाँ पे इतना अच्छा यहाँ का दृश्य है जो हम बता नहीं सकते हैं। और प्रभु जी ये क्या आश्रम यहाँ? हाँ, ये आश्रम निर्माण के लिए, संत सेवा के लिए। हाँ, गिट्टी बालू पड़ा हुआ है, ये भिंडी है।
प्रभु जी अगर कोई अच्छा पहले हम इधर आ गए हैं, प्रभु जी अभी दिखा रहे हैं, तो हम आपको दिखाते हैं आगे से। आज कितने दिन के बाद प्रभु जी भूख खिला है? करीब एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते के बाद देखिए ये प्रभु जी इधर, प्रभु जी का बगीचा है। तो प्रभु जी इसमें क्या सब आप लगाए हैं, थोड़ा आप बता सकते हैं? ये भिंडी लगा है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि अन्य चीज़ जो है बंदर यहाँ पर परेशान करते हैं, जिनके कारण भिंडी को वो नुकसान नहीं पहुँचाते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और साग सब्जी तो यहाँ सब तैयार हो सकती है, लेकिन अच्छा। और चीज़ों में जो है बंदर उसको परेशान कर, इसमें बंदर परेशान नहीं करते, इसलिए भिंडी यहाँ तैयार होती है। अच्छा, और करेली हो जाती है। अच्छा, और वो सामने तुलसी है भगवान के, वो तुलसी आप लगाए हैं। तो ये आप देखिए, ये प्रभु जी भिंडी सब लगाए हैं यहाँ पे। ये कुछ सब्जी लगाते हैं प्रभु जी। और ये यहाँ की जगह के बारे में क्या कहें, अब देखिए चारों तरफ जंगली है और बीच में प्रभु जी बगीचे में कुछ सब्जियाँ लगाए हैं, ये भिंडियाँ हैं। और यहाँ पे प्रभु जी घोड़ा है। अच्छा प्रभु जी, ये प्रभु जी ये घोड़ा है। हाँ। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रभु जी घोड़ा सब लगाए हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।